आज फिर मैं एक नए टॉपिक पर हाजिर हूँ। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया और इसे ड्रेसेनिया भी बोलते हैं। तो आज मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। ये मुझे स्कूल से मिल गया, उसमें कुछ नीचे की जो ब्रांचें थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब ख़राब सी हो रही थी। तो मेरी थोड़ी पहचान हो गई है मेरे जो स्कूल के सर हैं उनसे, जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे थोड़ी पहचान हो गई। मैंने उनको प्लांट दे दिए और उन्होंने मुझे प्लांट दे दिए। तो ये देखिए, ये थोड़ी अजीब सी टेढ़ी टाढ़ी सी हो रही थी ये ब्रांचें, तो मैं नीचे से तोड़ के लाई। जो अच्छी ब्रांचें थी वो मैंने नहीं तोड़ी। ये देखो इस तरह से, तो इनकी एक तरह से कटिंग हो गई। कटिंग करने से क्या होगा, अब वो बहुत घना होगा जो जिसमें से मैं ये तोड़ कर लाई। एक बहुत ही बड़ा प्लांट था सच में, आठ से दस फुट ऊंचा प्लांट था। बहुत सुंदर लग रहा था वो देखने में। उसमें से कुछ ये ब्रांचें ऐसी निकल रही थी। तो इस तरह से अगर आपको भी कहीं मिल जाए तो आप अच्छी ब्रांचें ना तोड़ें, तोड़े तो ऐसी जो थोड़ी सी ख़राब हो, इस तरह से आप तोड़ लें और इनको आप अपने घर में लगा लें फ्री में। तो अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी, क्योंकि एक हिस्से से, एक ही ब्रांच से आप दो ब्रांच बना सकते हो। तो देखिए, मैंने ब्रांच को काट लिया है, एक सा कर लिया है और इसमें साफ फंगीसाइड भी लगा दिया है। और अब मैं इसको कम से कम 1-1.5 इंच इसमें लगा दूंगी। ये मेरा खाली पड़ा था, बाकी सारे आप देखो कितने सारे प्लांट हैं मेरे पास। ये मेरे पास जगह नहीं बच रही है, मैं बहुत ज़्यादा प्लांट लगा रही हूँ। कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच आप इसको बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा दबा दीजिए। इसके मैंने पत्ते नहीं तोड़े क्योंकि ये थोड़ा सा आड़ा है। और एक ब्रांच में से मैंने दो ब्रांचें की हैं जो लंबी थी और मैंने इनकी पत्तियां तोड़ दी हैं। इनकी पत्तियां तोड़ने से क्या होगा कि जब हवा वगैरह चलेगी तो इनमें वजन नहीं होगा। कभी कभार वजन की वजह से भी ये आड़ी हो जाती हैं, जो भी अपन ब्रांच लगाओ। और ये पोषण भी खींचती हैं, ये कोई मतलब नहीं रहता है इनका लगना। जब भी मतलब ग्रोथ होगी तो यहाँ से ग्रोथ होगी, ये फालतू में लगी होती हैं। और ये पत्तियाँ हटाने से क्या होगा, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, उनका जो पोषण है वो ग्रोथ में लगा देगा प्लांट। और हिलने डुलने की वजह से जो रूट्स डैमेज होती हैं ना, वो भी नहीं होंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको एक सा करके फंगीसाइड लगा लिया है मैंने। अब इसको भी कम से कम 1-1.5 इंच में गड़ा दूँगी। और ये जो ब्रांच है इसको, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा है, ये इस साइड ऐसा है, इसकी जो लाइन है वो ऊपर साइड है। तो इससे समझ में आ रहा कि ये हमें सीधा गड़ाना है, ना कि उल्टा। उल्टा गड़ाएंगे तो सड़ जाएगी ब्रांच, तो सीधा गड़ाना है। और इसकी भी देखो, ये ऊपर साइड जा रही है, तो इसको भी हम इसी तरह से गड़ा देंगे और दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, हिलेगी डुलेगी नहीं। और अगर उसमें जब भी रूट्स होंगी ना, तो वो इसकी मैं पत्ती तोड़नी भूल गई, तो अब इसकी पत्तियां तोड़नी है मुझे। तो देखिए, मैंने इसकी भी पत्तियां तोड़ दी हैं। जितनी कम पत्तियां रहेंगी उतना अच्छा रहता है। और इसको भी मैं इसी तरह से, ये थोड़ी टेढ़ी है तो मुझे थोड़ा सा इसको वैसा लगाना पड़ेगा। और बस अब इसको इस तरह से कड़ा दें। और इसकी मिट्टी किस तरह की है, इसकी मिट्टी में रेत है, ये पुरानी मिट्टी है। इस जो सर्दियों के टाइम के जो गमले थे ना, तो मैं किसी भी चीज़ में लगा देती हूँ क्योंकि गमलों की बहुत कमी हो जाती है। सर्दियों में सीड से ग्रो होने वाले जो प्लांट है वो लगाती हूँ मैं, अभी बरसात के बाद मैं लगाऊँगी। तो इस तरह से मुझे थोड़े यूनिक करना अच्छा लगता है, ये इस तरह से जो डलिया वगैरह होती है उनमें लगाना थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुंदर दिखता है। ये बहुत पुरानी है, ये पता नहीं, हो सकता 50 साल पुरानी डलिया हो, क्योंकि इसमें जो पूजा पाठ वाली जो देवी देवता होते ना, वो रखी होती थी, तो ये इसलिए अभी तक बची हुई है। इसमें धुआँ वगैरह की वजह से काला है। तो ये है ना, इस तरह से लगाना है हमें। और बस अब मैं ऐसे ही जगह रखूँगी जहाँ पानी ना लगे, क्योंकि इसमें है ना पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है। मेरे पिछले साल ये नर्सरी से लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो वो सड़ गया था क्योंकि उसमें मैंने पानी डालती रहती। पानी इसमें जब डालना है जब ये इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। जो भी इंडोर प्लांट है उनको
उनमें पानी तभी डालना है जब पूरी तरह से मिट्टी सूख जाए। हो सके तो आप हफ्ते में एक बार, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में एक बार, मौसम के हिसाब से देख लें। गर्मियों में जल्दी मिट्टी सूख जाती है तो हफ्ते में एक बार डाल दीजिए, और सर्दियों में बरसात में दो हफ्ते में एक बार डाल दीजिए पानी इस तरह से, नहीं तो आपका पूरा जो प्लांट है वो सड़ जाएगा। और अभी इसी तरह से मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ ज़्यादा बारिश का पानी ना लगे, नहीं तो गलने का डर रहेगा। और कुछ देखिए, मैंने ये मुझे बल्ब मिल गए रास्ते में। अब ये किस कलर के हैं मुझे नहीं पता है, पर मैं लगा दूंगी, जब इसमें फूल निकलेंगे तब पता चलेगा। मुझे पिंक कलर चाहिए, वाइट और येलो तो मेरे पास है। ये रेन लिली के हैं बल्ब, मुझे मिल गए तो मैं लाई, पता नहीं कब कौन सी किस्मत चमक जाए। तो ये देखिए इतने सारे बल्ब, और भी डले थे पर मैं कम लेकर आई हूँ। तो इस तरह से मैं इनको भी कहीं लगा दूंगी। तो आप इसमें कोई भी आपको खाद वगैरह नहीं डालनी होती है, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में आप लगा के रखिए इसको, और आपके प्लांट इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।